एकादशी व्रत हम क्यों करते हैं? शास्त्र कहते हैं 11 जगह से ही हमसे अपराध होता है, पाप होता है। 5 कामेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इस तरह से मिलाकर 11 होते हैं, यानी एकादश। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं एके दशेन्द्रियः पापम यत्कृतं भवति प्रभु एकादश उपवासेन तत्सर्वं विलियं व्रजेत। एकादशेन्द्रियं पापम, एकादश इंद्रियों से जो पाप हो जाते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए, उनका प्रायश्चित करने के लिए ये एकादशी व्रत है। यानी हम जीवन में न जाने कितनी बार कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, मन से, यानी शरीर, मन और वाणी सबसे अपराध करते हैं, और उन्हीं अपराधों का परिणाम है हमारे जीवन में आने वाले अच्छे सत्कर्म होंगे, बुरे कर्म होंगे, या फिर हम अच्छा जीवन जिएंगे या फिर बुरा जीवन जिएंगे। तो ये सब निर्धारित होता है हमारे पाप पुण्य से। इसीलिए कहा गया है उन सभी पापों की अग्राशि को, यानी पापों को नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। इतनी बड़ी सामर्थ्य है इस एकादशी व्रत की। अब आते हैं कि ये व्रत हमें किस उम्र में करना चाहिए। कई बार लोगों की के मन में ये शंका होती है, महिलाएं करें इस व्रत को, पुरुष कर सकते हैं क्या, कुंवारी स्त्रियां कर सकती हैं क्या, और कई बार प्रश्न आते हैं छोटे बच्चे कर सकते हैं क्या। देखिए, शास्त्रों में जो नियम बताए वो ये है, 8 वर्ष की आयु से लेकर के वृद्ध अवस्था में 85 वर्ष की आयु तक आप इस व्रत को कर सकते हैं। फिर चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालिका हैं या बालक हैं, वृद्ध हैं, सब कर सकते हैं। सभी जीव में आते हैं और आप सभी के लिए एकादशी व्रत करना अनिवार्य ही है। अब ये एकादशी व्रत के लिए कुछ नियम है, किन लोगों को छोड़ा जा सकता है। जो 8 वर्ष से थोड़े कम आयु के बालक हैं उनको एकादशी व्रत ना रखें, उस दिन आप उनको भगवान नाम लेवाएं। गर्भवती स्त्री जिनके गर्भ में शिशु है उनको भी क्षमा किया गया है एकादशी वाले दिन, वो व्रत अगर चाहें तो कर सकती हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नहीं करें। और वृद्धावस्था से जो जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य समस्या से परेशान है, वो भी इस व्रत को ना करें, वो हरि नाम ले सकते हैं उस दिन। अभी ये व्रत इत्यादि किस विधि से करने चाहिए। देखिए, एकादशी आजकल जो एकादशी लोग मनाते हैं या एकादशी व्रत करते हैं वो एकादशी कम और लगता है कि बफे ज्यादा है, साबूदाने की पकौड़ी खा रहे हैं, कुट्टू की पकौड़ी खा रहे हैं। वैसे कुट्टू खाने में कोई बुराई नहीं है, कुट्टू को भगवान ने आशीर्वाद दिया है तो कुट्टू पा सकते हैं, फलारी में बहुत अच्छा है। किंतु केवल मन भोजन में ही लगा है तो फिर आपने एकादशी व्रत कैसा किया, ये तो तप की श्रेणी में है। इसलिए कहा जाता है एकादशी वाले दिन आपकी इंद्रियां पूरी तरह से भगवान में लगी हो इसीलिए आप अन्न नहीं खाते। और विधि है, शास्त्रोक्त विधि है, 3 दिन तक एकादशी व्रत किया जाता है, लोग 24 घंटे भी प्रॉपर नहीं रख पाते हैं। शास्त्र कहते हैं 10वीं वाले दिन आप दिन में भोजन करें और फिर सूर्यास्त से पहले आप भोजन कर ले, रात्रि में आपको भोजन नहीं करना 10वीं वाले दिन। और फिर अगले दिन एकादशी आएगी, एकादशी वाले दिन जल्दी स्नान करें, ठाकुर जी को प्रणाम करें और सबसे पहले जल का कलश धो करके और जल भरकर तुलसी के जाकर के, तुलसी के जो घरवा होता है या तुलसी जहां विराजमान है, मंदिर है, वहां जाकर तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में शंका हो सकती है कि तुलसी को एकादशी वाले दिन छूना नहीं चाहिए। देखिए, छू सकते हैं एकादशी वाले दिन, आप उन्हें श्रृंगार कर सकते हैं, चंदन सब कुछ लगा सकते हैं, किंतु तोड़ नहीं सकते क्योंकि एकादशी वाले दिन माँ तुलसी साधना में होती हैं, भजन में होती हैं, और उनको तोड़ना माने उनके अंगों को विच्छेद करना, उनके अंगों से उनको कष्ट पहुंचाने जैसा पाप लगता है। इसीलिए उनसे आप आज्ञा ले सकते हैं, माँ आज मेरा एकादशी का व्रत है, भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं व्रत करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप मुझ पर कृपा करिएगा, कहीं कोई त्रुटि हो जाए तो आप वो सारे कार्य संवार दीजिएगा। ऐसा कहके तभी तो हम भोग में तुलसी धारण करते हैं, हमसे तो महाराज त्रुटि में बन गया होगा, हो सकता है भोजन हमें जैसा रुचि से बनाना चाहिए वैसा बना नहीं हो, कुछ अपराध हो गया हो। किंतु जब हम तुलसी अर्पण करते हैं उसका अर्थ है आप भगवान को जानती हैं, भगवान को क्या पसंद है, इसलिए भोग में जैसा भगवान को रुचि करो वैसा ही माताजी आप बनाकर भगवान को परोस देना, ये हमारा भाव तुलसी के प्रति होता है। तो कहीं त्रुटि हो जाती तो तुलसी माँ
संवार देती है। इसलिए फिर तुलसी जी को अर्घ देने के बाद आए, और भगवान अगर आपके घर में देवालय में शालिग्राम शिला है या भगवान नारायण का बालकृष्ण का स्वरूप है तो घर में हमेशा शंख जरूर रखें। शंख में पंचामृत बना करके और शंख में भरकर भगवान बालकृष्ण लाल को या शालिग्राम शिला को स्नान कराएं, नहीं है तो कच्चे दूध से कराएं, और वो भी नहीं है तो फिर जल से कराएं। शंख में जल भर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये द्वादश अक्षरीय मंत्र शास्त्रों में महान बताया गया है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का जाप करते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं, यानी उन्हें जल से शंख के द्वारा स्नान कराएं। फिर वस्त्र से पहुंच के चंदन इत्यादि लगाएं, और उसके उपरांत आप निवेद्य अर्पण करें, आरती उतारें, और एकादशी की कथा आपको श्रवण करनी चाहिए। उस दिन एकादशी की कथा को श्रवण करने से हजारों गौ दान और पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आपने ये एकादशी वाले दिन किया। पूरे कहा जाता है दशमी को रात्रि में आपको भोजन नहीं करना, और फिर एकादशी वाला दिन आप आता है तो एकादशी वाले दिन आप एक समय फलाहार करेंगे, सामर्थ्य नहीं तो दो समय करें। और पूरी एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है उस दिन आपको पारण करना होता है। तो व्रत का नियम तो ऐसा है कि एकादशी वाले दिन सिर्फ एक दिन ही एक ही बार भोजन करना चाहिए, किंतु अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम दसवीं की रात्रि में भोजन ना करो और द्वादशी की दोपहर तक भोजन मत करो। आप कुछ हल्का सा अन्न आहार के रूप में या कुछ भी पारण करते समय, व्रत को खोलते समय कुछ फल से आप व्रत को पारण कर सकते हो, जल से पारण कर सकते हो, किंतु आप भोजन एक ही समय लें तो इस प्रकार की एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है, और ये हो जाता है तप की श्रेणी का व्रत। किंतु लोग सामान्यता केवल एकादशी रखेंगे सुबह से और फिर अगले दिन उसका उसका पारण कर लेते हैं, किंतु रखा जाता है ये दशमी से और द्वादशी पर्यंत तक। इस व्रत को कैसे करना चाहिए? पद्म पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण में कहा गया है, कई बार आपने देखा होगा दो एकादशियां पड़ जाती हैं। अब दो एकादशियां पड़ जाती तो लोग बड़े संशय में हो जाता है, कौन सी वाली करें, पहली वाली करें, दूसरी वाली करें, कहीं लिखा होता है स्मार्ट पहले करें गृहस्थी जो लोग होते हैं और फिर दूसरी वाली वैष्णव करें। ये जो विविधता है, भेद है, कहीं ना कहीं लोग इसमें बड़े शंका में होते हैं। देखिए, स्मार्ट और वैष्णव की बात तो छोड़ते हैं, हम आते हैं शास्त्रोक्त बात पर। भगवान क्या कहते हैं, क्या आज्ञा देते हैं? भगवान नारायण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है शास्त्रों में कि दसवीं से विद्य कोई तिथि एकादशी आती है तो हमेशा उस एकादशी का त्याग करना चाहिए। यानी अगर शुरुआत में सूर्य उदय से दसवीं लगी है और उसके उपरांत एकादशी लग जाए तो उस तिथि में हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। उस तिथि में यदि व्रत आपने धारण किया तो स्वयं भगवान का ही ये वचन है कि उस व्यक्ति के अनंत जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसके पूर्व स्वर्ग से निकलकर रौरव नरक में गिर जाते हैं और उस व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। दसवीं से युक्त एकादशी गांधारी रखती थी और कहा उनका कुल नष्ट हो गया। इसलिए दसवीं से युक्त एकादशी का वर्जन बताया गया है। कैसे करना चाहिए? बोले ऐसे करो जैसे एक कृतघ्न व्यक्ति का हम कोई अच्छा काम करे और वो व्यर्थ चला जाता है। कृतघ्न माने आपने किसी के लिए अच्छा कार्य किया लेकिन वो उस अच्छे कार्य का को माने नहीं और वो सोचे कि नहीं तुम ये तो ऐसे ही हो गया, उसको कोई फर्क ही ना पड़े। ऐसा कृतघ्न व्यक्ति को जैसे उसके लिए अच्छे किए हुए कार्य व्यर्थ चले जाते उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार यदि आपने दसवीं से युक्त व्रत रखा एकादशी का तो वो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए भगवान ने आज्ञा भी दी है कि एकादशी करें तो द्वादशी युक्त करें। अगर दसवीं से एकादशी विद्य हो रही है यानी सूर्य उदय से दशमी लग गई तो उसके उपरांत एकादशी, तो उस दिन एकादशी नहीं रखनी चाहिए, अपितु एकादशी अगले दिन भले कुछ क्षण की हो सूर्योदय से और फिर बाद में द्वादशी लग जाए तो वो द्वादशी अत्यंत श्रेष्ठ है, वो एकादशी से युक्त द्वादशी है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए प्राय जब आप दो देखते हैं उसका कारण है भगवान की आज्ञा जो भगवान ने शास्त्रों में सभी शास्त्रों में एक समान दी है कि दसवीं विद्य एकादशी को ना करें ना करें। तो वही आज्ञा का पालन प्राय साधु संत और भगवान के भक्त करते हैं। तो अगर आप भगवान की आज्ञा को माने तो आपको दसवीं से युक्त, अगर मेरी ये सलाह है आपको कि आप दसवीं से युक्त एकादशी ना करें, आप करें तो फिर द्वादशी से युक्त एकादशी करें। इस व्रत को
करने से जीवन के समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी वाले दिन यदि व्रत को और चौगुना फलदायी बनाना है तो अर्धरात्रि को जागरण करें, यानी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यदि कोई कीर्तन करता है, यानी मध्य रात्रि में 12 बजे तक यदि कोई कीर्तन करता है तो उसके जीवन के समग्र कष्ट, दरिद्रता, जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है उस व्यक्ति को, उन सब का हरण भगवान वासुदेव कर लेते हैं। कहते हैं एकादशी वाले दिन भगवान के समक्ष कीर्तन करने वाले को भगवान ऐसे उस व्यक्ति के प्रिय हो जाते हैं, उसको इतना प्रिय समझते हैं, उसके समीप ही नृत्य करने लगते हैं। इतना बड़ा शास्त्रों में एकादशी वाले दिन अर्धरात्रि यानी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में जो कीर्तन किया जाता है उसको जागरण कहते हैं। दीपक जला करके बड़े आनंद के साथ महामंत्र का, कोई भी भगवान के संकीर्तन का, भजन का अवश्य कोई ना कोई आयोजन एकादशी वाले दिन अवश्य करें।